हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस लर्नर है उनके लिए है। यहाँ पर बेस्ड ऑन द डेटा अच्छे स्टॉक्स और ऑप्शंस में बिग प्लेयर कहाँ पोजिशन में आता है उसके बारे में बात किया जाता है। तो अगर आप रियल में मार्केट को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले डेटा स्टडी आपको करना चाहिए, जो कि इस चैनल का मेन मोटो है कि आपको किस तरह डेटा आपके तक पास पहुंचाया जाए। चलिए हम बात करते हैं डेटा के ऊपर, थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं कि क्या हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे के दिन जो भी हुआ मार्केट में, हमने वहाँ पर कैच किया, सब कुछ लाइव में कैच किया गया, यानी लाइव में पता चला कि मार्केट में क्या चेंजमेंट हो रहा है। तो और आप थर्डे का यहाँ पे अगर हमारा सब लाइव में देखें तो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट हुआ था, स्पॉट शिफ्ट हुआ था 22,000 से 22,200। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 22,500 था, जो 10:40 को पता चल गया था, यानी 10:40 को हमने इंडिकेशन दे दिया था मार्केट में 22,500 के लेवल को टच करना था। मार्केट टच किया वहाँ से, और ये आप देखें कि लगभग 135 को बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि ये लेवल तक टच करेगा ही। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा होता है सब कुछ। अब स्टॉक्स में मैं कैसे पता कर रहा हूँ, और ये सब कुछ डेटा के आधार पे हम एक अपने क्लास से यानी से वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं, सेमिनार, जिसमें वर्कशॉप में ये सब कुछ बताया जाता है कैसे आपको ये एनालिसिस करना है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं जो नेक्स्ट 16 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं डेटा का कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छे स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स आप बेस्ड ऑन द डेटा कहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट में हम बोनस स्टॉक्स जरूर बताएंगे, उस बोनस स्टॉक्स को आप देखिएगा। अभी हम बात करते हैं भारत फोर्ज का। हमारे एक जो व्यूवर्स थे उन्होंने कमेंट किया था कि भारत फोर्ज के बारे में बताइए। अभी भारत फोर्ज आप देखें तो इसके जो क्लोजिंग प्राइस है 11:21 के है, यानी अपनी जस्ट जहाँ पे बिग प्लेयर्स की बाइंग है उसके आसपास ही यहाँ क्लोजिंग दिया है 3% वाले ऊपर। यानी अगर देखें तो 1092 का वहाँ पे एवरेज बाइंग है, इससे लगभग 30 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है जो 3% हुआ। अब इसके नेक्स्ट टारगेट क्या, अगर 30 डेज के ड्यूरेशन में देखें तो इसका फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ से 11:29 11:89 का होगा, नहीं तो 12:12 का, जो 30 डेज का ड्यूरेशन है। अगर मैं यहाँ ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, यानी 30 डेज से मैं ड्यूरेशन 60 डेज करता हूँ, और 60 डेज के ड्यूरेशन में देखूँ तो यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए। तो अभी आप देखें 60 डेज के ड्यूरेशन में इसका टारगेट 11:71 का और फिर 12:202 का होना चाहिए, और 12:29 का, ये दो टारगेट मेरा निकल गया, तीन टारगेट, यानी 11:71, 11 यहाँ पे 11:71 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 11:77 का, 12:03 एंड 12:29, क्या ये टारगेट हिट करेगा। तो हम इसको भारत फोर्स को थोड़ा ऑप्शंस की भी नज़र से देखते हैं। हमने क्या कैश में देखा, ऑप्शंस में भारत फोर्स सभी देखें तो 11:1093 यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस 11:52, न्यूट्रल पॉइंट 11:52, रेजिस्टेंस 12:12, ये तीन लेवल दे रहा है। यानी यहाँ से भारत फोर्स निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट 11:52 11:60 का होगा ये, सेकेंड टारगेट 1200 का ये दिखा रहा है, क्योंकि ये अपने क्या है सपोर्ट के आसपास ही है और वहाँ से इसके रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखें कलर के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इंडिकेशन कर रहा है आपको क्या, अपसाइड का, ऑप्शंस का अपसाइड का यहाँ पे इंडिकेशन रहा है। अब ये भारत फोर्स का यहाँ पे अगर मैं प्राइज एक्शन देखूँ, प्राइज एक्शन के बेसिस पे भी देखें तो एक बिल्कुल ही 0.038 लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, उसके पास ही ये भी घूम रहा है। तो यहाँ से निकलेगा फर्स्ट टारगेट 11:64, जो हमारा 0.50 का टारगेट ये दिख रहा है, 11:50 11:64 का। अब हमारे ऑप्शंस में भी यही निकल के आ रहा था 11:71, और सेकेंड टारगेट 12:02, यानी 12:02 का यहाँ पर टारगेट था, और 12:07 का हमारा टारगेट ऊपर में निकल के आ रहा था। यानी डेटा प्राइज एक्शन भी प्रूफ कर रहा है, अगर आपको पता है तो डेटा पहले हमें इंडिकेशन कर रहा। तो ये भारत फोर्ज का ऊपर का टारगेट होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब हम डेटा के बेस्ट पे स्टॉप लॉस देख लेते हैं कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इसका। तो अभी 10:73 ये 60 डेज का, 30 डेज के ड्यूरेशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 30 डेज के ड्यूरेशन में हमारा 10:73 का स्टॉप लॉस, यानी ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब एक और स्टॉक्स यहाँ पे हमने बात किया था ITC का, ITC, ये दोस्तों ये आप लोगों के स्टॉक्स हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में आया था। तो हमने बात किया था अपने लेबल में कि ITC 404 के आसपास जब मिले तो बाई करना था यहाँ पे, यानी 406 4055 कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा। अभी देखें लगभग लगभग ये 5 से 6% ऊपर हो गया, अभी इसमें कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आई है।
लेकिन क्या है, आप 4 to 8 थोड़ा सा इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 4 to 8, 4 to 5 के आसपास। तो जैसे अगर आप 30 डेज का यहाँ ड्यूरेशन दें तो 4 to 9 और 4 3 5 और 4 3 9, 4 3 5, 4 3 9, ये दोनों क्या है यहाँ पे, तीनों यहाँ थोड़े से इसके लिए रेजिस्टेंस मालूम पड़ रहे हैं। यानी कोई भी बड़ा प्लेयर इसको 4 4 0 के ऊपर नहीं ले जाना चाहता। अब इसके ऑप्शन चेन क्या इंडिकेशन कर रहा है, ITC क्या नेक्स्ट जो ऑप्शन चेन है उसको हम देखेंगे कि ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, क्या ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट क्या होगा। तो अभी ITC का डाटा आपके सामने है, सेम आप देखिए 4 to 9 का यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, 4 3 5 का रेजिस्टेंस, 4 न्यूट्रल पॉइंट, 4 4 1 का यहाँ पे, 4 4 2 का रेजिस्टेंस है। तो डेटा पे भी हम इंडिकेशन कर रहा था कैश में कि अभी 4 4 2 के ऊपर थोड़ा जाना मुश्किल हो रहा है ITC का। अगर जाएगा भी तो मैक्सिमम आपको 4 4 5 के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन द मनी कोई यहाँ पे राइटिंग कर रहा है, 4 4 के ऊपर थोड़ा जाता है तो 4 4 5 मैक्सिमम तक जा सकता है ITC। अब इसके प्राइज एक्शन थोड़ा देख लेते हैं, प्राइज एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है। प्राइज एक्शन में भी ITC यहाँ पे 0.611 जो गोल्डन रेशियो 4:3:3 इसके ऊपर आके अभी क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ से इसके ऊपर के पहला रेजिस्टेंस आप ये रेड लाइन देख सकते हैं कि 4:4:5 है, यही लेवल पे आ रहा है। 4:4:5 जैसे ब्रेक कर देगा नेक्स्ट टारगेट 4:6:0 ये आपको दिखाई देगा। अब नीचे में इसका सपोर्ट क्या है, 4:10 जो हमारा प्रीवियस बाइंग लेवल था 4:04 का। तो ये अभी किसका क्या है, सपोर्ट है। अब दो स्टॉक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही उमदा स्टॉक्स है। पहला स्टॉक्स यहाँ पे बजाज ऑटो है दोस्तों। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पे 0.9298 ये लेवल आप इसने हाई लगाया था, यही 9148 के पास चल रहा है। अब यहाँ से निकलेगा तो इसका बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है। इसका टारगेट होगा नेक्स्ट 9940 का ऊपर में। जैसे बजाज निकलता है यहाँ पे, बजाज 10,000 के लेवल ये टच करेगा यहाँ से, और इसके इमीडिएट सपोर्ट 8793 यानी 8 8 8 7 9 3 8 9। ये हमारा क्या है, प्राइज एक्शन के ऊपर। मैं प्राइज एक्शन आपको पहले दिखाया, क्या डेटा यहाँ पर प्रूफ कर रहा है कि ये लेवल टच करने वाला है। तो मैं आपके सामने दोनों डेटा पे यानी ऑप्शंस में भी एंड कैश में भी बजाज ऑटो का यहाँ पे डेटा लाता हूँ दोस्तों। बजाज ऑटो मैंने यहाँ पे लिखा और आपके सामने मैं इसको अभी रिफ्रेश किया, इसके डेटा हमारे ऑप्शंस वाले सीट में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट क्या निकल रहा है, 8976 जो हमारा प्राइज एक्शन पे बता रहा है, 9188 यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, 9440 जो का रिस्टेंस, 94 जैसे ब्रेक कर देगा 95 और इसके ऊपर का टारगेट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन चेन इंडिकेशन यहाँ पे बुलिस का कर रहा है। 9100 यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट अभी भी 88 पॉइंट ऊपर है, 9188 के ऊपर, तो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट के पास जरूर ये टच करेगा। अब ये क्या यहाँ पे हमारा स्टॉक्स कैश में क्या इंडिकेशन कर रहा है, क्या ये स्टॉक्स कैश में भी ऐसे ही चलने वाला है, कैश में यहाँ पे कोई बाइंग हो रही है या फिर इसके टारगेट हमारे क्या होंगे, इसको हम देखेंगे। चलिए मैं 30 डेज का यहाँ पे ड्यूरेशन डालता हूँ। अब इस 30 डेज में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आपको एंट्री नहीं आया है, हाई वॉल्यूम डिलीवरी आया है, 48% चल चुका है ये अभी भी, 62 यानी 6200 का इसका एवरेज प्राइस था। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल सबसे पहले 9163 जो यहाँ से टच करता है, इसको 9468 जो हमारा रेजिस्टेंस था उस लेवल तक जाने की बात कर रहा है स्टॉक्स। यानी ये बुलिस है, यहाँ से चलेगा तो फिर 9627 का जो हमारा आपको 30 डेज के ड्यूरेशन का है। अब मैं यहाँ पे अगर 80 डेज या 60 डेज का यहाँ पर ड्यूरेशन डालता हूँ, 60 डेज के ड्यूरेशन में आप देखें तो सेम ये लेवल हमारा 9842 और 10196 का ड्यूरेशन लेवल दिखा रहा है। 30 डेज की जगह मैं आपको 90 डेज ही करता हूँ। 90 डेज में सीधा जो हमारा लेवल निकल के आता है 9163 और इसके बाद 10123, तो 10123 के लेवल को ये टच करना चाहिए, ये लेवल यहाँ पे टच करना चाहिए। चलिए अब हम दूसरी एक और स्टॉक्स है जो कि बहुत ही निफ्टी 50 का अच्छा स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स, जो मेरे पास भी होल्डिंग है 600 के पास से। तो अब यहाँ पे इसके फर्स्ट टारगेट
जो आप देखें 1065 का लेवल था ये टच किया, लेकिन ये स्टॉक्स क्या है थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आपको रिट्रेसमेंट लिया है अपना, लगभग 30% रिट्रेसमेंट लिया है जहाँ से चलाए, तो अब ये फिर अब वो मूव के लिए रेडी है, यानी 0.78 के लेवल को जैसे ब्रेक करता है जो 1007 का है, तो इसका फर्स्ट टारगेट 1065, और 1065 को ब्रेक करके सीधा ऊपर में आ जाएगा 1140, ये टारगेट हो जाएगा ऊपर में। तो आपको अगर ये स्टॉक्स 960 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में, वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी प्राइज एक्शन के बेस पे। अब इसको हम डेटा पे भी कंफर्म कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं बजाज ऑटो की जगह टाटा मोटर्स डालता हूँ। टाटा मोटर्स में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, टाटा मोटर्स मैंने आपको यहाँ पे डाला, अब इसको रिफ्रेश किया मैं तो इसके डेटा हमारे बिल्कुल ही ऑप्शन चेन में आ जाएगा, यानी पूरे यहाँ से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट देख सकते हैं। इवन आप इसको अपने एनएससी के भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी वे मिलेगा, 934 का यहाँ पर सपोर्ट, 970 का न्यूट्रल पॉइंट, 1007 का यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और हमारा पहला टारगेट ये भी आ रहा है कि 1007 जैसे ब्रेक कर देगा एक अच्छी मोमेंटम इसमें मिलने वाली है। तो 1000 के आसपास इसमें थोड़ा सा हर्डल है, ये हर्डल जैसे निकलता है 1060 एंड 1100 का टारगेट हो जाएगा। अब क्या इसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स डाल देता हूँ, और इससे हमें बहुत सारी बेनिफिट मिलती है दोस्तों इस सीट से, जिससे हम आपको लास्ट में मैं ये भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाऊंगा कि कौन से स्टॉक्स में बिग प्लेयर बाइंग कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा इस मीट में। चलिए टाटा मोटर्स यहाँ पे, टाटा मोटर्स देखिए अभी कोई इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन 40% से ये चल चुका है, यानी ओवरऑल बुलिश स्टॉक्स है। अब इसका नेक्स्ट लेवल 1039 और 1139 1191 ये लेवल दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ आपको स्टॉक्स बताता हूँ जो अच्छे मोमेंटम वाले, इक्वल टू करके देखिए मेरे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी के स्टॉक्स आई है उसमें मैं डालता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बाइंग में ही है। तो आप ये स्टॉक्स हैं इसके आप देख सकते हैं पूरे लिस्ट है, एग्री टेक है, एग्री टेक में एक बाइंग आई है जो अभी 8% डाउन चल रहा है 224 के ऊपर, तो इसमें आप बाइंग देख सकते हैं प्राइज एक्शन देख के थोड़ा सा। इसके बाद एपको टैक्स इंडस्ट्री है, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, इसमें भी बाइंग आया है। एक कार ट्रेड ये भी है, क्रेस्ट है, तो कुछ स्टॉक्स का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी इसमें बाइंग चल रहा है। JTKET है जो एक मेरा फेवरेट स्टॉक्स है, इसमें भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों। एक माइंड टेक है, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे बाइंग आया है। फेजर जो आपको फार्मास्यूटिकल का एक अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे बाइंग आई है। इसके बाद आपको VIP इंडस्ट्री, ये भी इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है 2 दिन से 525 के आसपास, जो अभी 9 पॉइंट नीचे है 9%, तो एक अच्छा स्टॉक्स यहाँ से ये सब साबित हो सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके। डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फिनेंशियल से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर है बाई से होल्ड करिए दोस्तों। मिलते हैं कल आई मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।